तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL एम्प्लॉयज से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, जहां पर जो वेज रिवीजन का इशू है उसे एक बार फिर से नेशनल काउंसिल मीटिंग जो कि 7 अगस्त 2023 को की गई थी उसमें उठाया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मीटिंग में वेज जो रिवीजन है नॉन एग्जीक्यूटिव का उसे लेकर क्या डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है, वेज नेगोशिएटिंग कमेटी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव वॉज फॉर्म्ड ऑन 27/2018। तो जो यहाँ पे जो वेज नेगोशिएटिंग कमेटी है नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए वो फॉर्म हुई थी, यानी कि बनाई गई थी 20 जुलाई 2018 को। इन दिस कमेटी द न्यू पे स्केल ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव वॉज यूनैनिमसली एग्रीड टू बोथ बाय द मैनेजमेंट एंड द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑन 27/7/2018। तो इस जो कमेटी बनाई गई है इसमें जो नया पे स्केल डिसाइड हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए उसमें एक मत से ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ था बाय द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से और रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की तरफ से 27 जुलाई 2018 को। हाउएवर देयर आफ्टर द मैनेजमेंट साइड वांटेड टू रिड्यूस द मिनिमम एंड द मैक्सिमम ऑफ दिस पे स्केल। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो मैनेजमेंट की साइड से जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स का नया पे स्केल डिसाइड हुआ था 27 जुलाई 2018 को, उसमें जो है जो मिनिमम और मैक्सिमम पे स्केल था उसको कट डाउन करने के लिए यहाँ पर कहा गया था, ताकि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसका जो बर्डन है, जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके। इफ दिस इज डन द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। इस पर कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो जो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिन एम्प्लॉयज की जो इंक्रीमेंट है जो रुक चुका है, जो स्टॉप हो चुका है, वो प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में यानी कि आगे देखने को मिलेगी। फर्दर दिस विल इंक्रीज द गैप बिटवीन द पे स्केल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव इन अ बिग वे। इसके अलावा अगर नॉन एग्जीक्यूटिव का जो पे स्केल है मिनिमम और मैक्सिमम उसमें कट डाउन किया जाता है, तो जो सैलरी है, जो पे स्केल है, उसमें एक बड़ा गैप आ जाएगा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव्स का। हैंस द यूनियन डिड नॉट एक्सेप्ट टू रिड्यूस द पे स्केल एंड देयर इज अ डेडलॉक इन द वेज नेगोशिएटिंग कमेटी। तो इसके बाद जो हमारे जो यूनियंस हैं BSNL एम्प्लॉय यूनियन नॉन एग्जीक्यूटिव्स का, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, जिसके बाद ये जो वेज नेगोशिएटिंग कमेटी है इसमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स का जो वेज रिवीजन है उसको लेकर एक डेडलॉक बन गया है। इसके अलावा दोस्तों, 27 जुलाई 2018 को जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं BSNL के, उनका जो पे स्केल डिसाइड हुआ था नया पे स्केल वो कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नया पे स्केल डिसाइड हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव 1 से लेकर नॉन एग्जीक्यूटिव 12 तक, वो इस तरह से था। इसे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस पर कहा गया है, इशू वॉज प्रोमिनेंटली रेज बाय द स्टाफ साइड इन द नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 7 अगस्त 2023। द स्टाफ साइड रेज द 2 क्वेश्चन टू द डायरेक्टर। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है नॉन एग्जीक्यूटिव के वेज रिवीजन का, इसे जो है नेशनल काउंसिल मीटिंग में उठाया गया था 7 अगस्त 2023 को, जिस पर जो स्टाफ साइड है उनकी तरफ से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्टी टू द न्यू पे स्केल फाइनलाइज इन द वेज नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन 27 जुलाई 2018, देन वाई द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू कट डाउन दोस पे स्केल नाउ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो 27 जुलाई 2018 में जो पे स्केल डिसाइड हुआ था वो दोनों की सहमति से हुआ था, यानी कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव के यूनियंस है और जो मैनेजमेंट साइड है उनकी सहमति से नया पे स्केल डिसाइड हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो अब उसमें कट डाउन करने की ज़रूरत क्यों है, ये पहला क्वेश्चन जो है वो स्टाफ साइड की तरफ से उठाया गया है। दूसरा क्वेश्चन उठाया गया है, मैनेजमेंट हैज़ नो पावर टू रिड्यूस द मिनिमम और द मैक्सिमम ऑफ द एग्जीक्यूटिव पे स्केल ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय द थर्ड पे रिविजन कमेटी, देन वाई द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू रिड्यूस द पे स्केल ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव अलोन। इस पे दूसरा क्वेश्चन ये उठाया गया है स्टाफ साइड से कि जो मैनेजमेंट है उनके पास कोई भी पावर नहीं है जो एग्जीक्यूटिव्स का थर्ड पीआरसी के अकॉर्डिंग पे स्केल डिसाइड हुआ है उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो पे स्केल है उसको कट डाउन करने का, तो फिर क्यों जो नॉन एग्जीक्यूटिव का नया पे स्केल डिसाइड हुआ है उसी में सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम जो पे स्केल है उसे कट डाउन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है स्टाफ साइड की तरफ से उठाए गए हैं। इस पर मैनेजमेंट साइड का क्या रिप्लाई है, चलिए वो देखते हैं। The director stated that the point raised by the staff side, that is agreed pay scale should not be changed, will be looked into by management side of the wage negotiating committee. तो इस पर मैनेजमेंट साइड की तरफ से ये कहा गया है, जो स्टाफ साइड की तरफ से पॉइंट रेस किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि जो सहमति हुई थी नए पे स्केल को लेकर उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, इस पर आगे मैनेजमेंट सोच विचार करेगा
और शायद ये आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो जाए या फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इम्प्लीमेंट हो, ये तो हमें आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें मैंने आपको BSNL एम्प्लॉय से रिलेटेड उनके जो वेज रिवीजन का जो मुद्दा चल रहा है, जो इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप इसी तरह से BSNL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर रेगुलरली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।